इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप सिंह मान, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। संदीप, ये लगातार तीसरा मेडल है आपका एशियन गेम्स में, कितनी खुशी हो रही है? क्योंकि इसी की तैयारी थी या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो गई गोल्ड मेडल के लिए? बिल्कुल चूक हुई है, तैयारी बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी इंजरी ने मुझे ख़राब किया, 2 महीने से इंजर्ड चल रहा हूँ, लेकिन कमबैक किया मैंने। लास्ट के 15 दिन अच्छी ट्रेनिंग करी और रिजल्ट आपके सामने है कि खाली हाथ नहीं गया, मैंने अपनी मेहनत और बिल्कुल रंग लाई है और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। संदीप, आप अर्जुना अवार्डी भी हैं, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, और इस टाइप का कंपटीशन के बारे में बताइए, क्योंकि एक टफ कंपटीशन रहा ये बाकी के हमने टूर्नामेंट्स की कंपेयर करें तो। बिल्कुल, यहाँ पे वर्ल्ड लेवल एथलीट्स थे, ओलंपिक मेडलिस्ट एथलीट के साथ मैंने कम्पीट किया, मुझे 15 साल हो गए हैं। कहीं ना कहीं इस मेडल के पीछे मेरा एक्सपीरियंस ही बोला है। बिल्कुल, कहाँ से कैसे रेस उठानी, बहुत चीज़ों की कमी थी क्योंकि इंजरी की वजह से बहुत कमी आ गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए एक्सपीरियंस ने काम दिया है। मैं मानता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस ने ही मुझे ये मेडल दिलाया है। और किस तरीके का सपोर्ट रहा आपको, अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए, पैरालंपिक कमेटी की बात की जाए तो, और फैमिली की बात की जाए? बिल्कुल, सपोर्ट हर तरफ से था और मैं मिनिस्ट्री से यही चाहूँगा कि आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करे और टॉप्स में मुझे लेकर आए, क्योंकि पिछले दिनों मेरी शायद रैंकिंग पर नहीं गौर किया गया, मैं काफ़ी अच्छी रैंकिंग पर चल रहा था और हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा सोचा हो और मैं चाहता हूं कि अब मुझे टॉप्स में लिया जाए। संदीप, आपने बोला कि काफ़ी लंबे समय से आप इंजर्ड भी थे और वो इंजरी के चलते ही कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई थी बीच में। थोड़ी नहीं, काफ़ी छूटी थी। बिल्कुल, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मैंने काफ़ी अलग अलग किया, छोड़ा नहीं, जो वर्कआउट करना था वो नहीं कर पाया लेकिन उससे अलग कुछ किया। संदीप, एक आखिरी सवाल, सबसे अच्छा एशियन गेम्स रहा है अभी तक पैरा एथलीट्स के लिए, सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं, हमने पिछले बार का एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, आपने ऐसे गेम्स को कई बार देखा है, क्या कहना चाहेंगे सारे आपके को एथलीट्स को? बिल्कुल, मैं पहले तो सभी को बधाई देना चाहूँगा और काफ़ी बड़ा टारगेट आया है और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत अच्छी दावेदारी होगी और मैं उम्मीद करूँगा कि हम बहुत मेडल जीतेंगे। वेल, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम इंडिया न्यूज़ टू यू। ये थे संदीप मान, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत का नाम रोशन किया, और कह रहे हैं कि बिल्कुल अपना कलर चेंज करेंगे और पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आने वाले ओलंपिक्स। ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए, इंडोनेशिया, जकार्ता।